प्रदेश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने भोपाल के न्यू मार्केट स्थित टॉप एंड टाउन पर गले में सब्जियों की माला और महंगाई के स्लोगन लिखे एप्रेन पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस दौरान न्यू मार्केट में रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि लगातार देश में महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस और अन्य जरूरतों की चीजों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात अब देश में बनते जा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में ये महंगाई के खिलाफ हमारा आंदोलन है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस ये सातवें आसमान पे है। 115 से ऊपर 118 के आसपास पेट्रोल है, डीजल 100 ऊपर हो गया है, रसोई गैस 1000 के ऊपर। बिजली के बड़े बड़े बिल, सीमेंट लोहा ये सब महंगा है, दूध महंगा लेकिन शराब सस्ती। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खेल। ये हालत इन्होंने कर दी है, बद से बदहाल हो गया है मध्य प्रदेश और देश। इसलिए आज सड़कों पर हम निकले हैं कि ये महंगाई कम करो, नहीं तो जनता आती है। सियासन खाली करो कि जनता आती है। महंगाई के विरोध में प्रदर्शन है। डीजल के रेट 100 रुपए के पार, पेट्रोल 118 के पार, शक्कर का भाव देख लीजिए, गेहूं के भाव देख लीजिए और चीज़ों के रेट देख लीजिए, लोहे के भाव देखिए, सीमेंट के रेट देखिए। बाज़ार में जो चीज़ लेने जाएं वो डबल हो गई है। बिजली की बढ़ती हुई दरें, अभी 15 दिन पहले दाम बढ़ाए थे, अब आज अखबारों में फिर आया कि बिजली के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। आखिरकार ये जनता के साथ कब तक लूट चलेगी? जिस तरह श्रीलंका में जनता ने पूरे शहर में पूरे देश में बवंडर बजा के रखा है और नेपाल के अंदर, इसी तरह मध्य प्रदेश और भारत के अंदर भी जनता कहीं ना कहीं जागरूक होके बीजेपी की सरकार का, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, सबका विरोध करेगी और आम जनता रोड पे आएगी।